बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज तकरीबन 4 बजने वाले हैं, तो इस टाइम से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ कि सुबह से कुछ भी नहीं किया। आज तो चारा लेने भी नहीं गया हूँ, सिर्फ सोया हूँ। तो अभी निकला हूँ, यहाँ एक शहर है कादरपुर आवा, वहाँ जाना हुआ है मेरा, जाना है अभी मैंने। क्यों, मामू आए हुए थे उकाड़ा से इधर मुल्तान, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, वो पेपर चेक करने के लिए आए थे इधर। तो अब वो कादरपुर रामा में किसी दोस्त के पास हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर आ सकते हैं तो लेके चला जा, तो उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं गांव से बाहर निकल चुका हूँ, बस अभी गाँव के जहाँ शुरुआत होती है हमारी, उस तरफ खड़ा हूँ सिर्फ व्लॉग शुरू करने के लिए। बस अब हेलमेट पहनते हैं, उसके बाद निकलते हैं। हेलमेट पहन लिया है और दोस्त को भी मैंने साथ लिया है, क्यों अब्बा जी कह रहे थे अकेले नहीं जाना है, किसी को साथ लेकर जाना है, इसलिए मैंने दोस्त को साथ ले लिया। तो अभी चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं कादरपुर रामा, ये बाईपास है जो बाहर को जाता है, तो हमने अंदर जाना है शहर में, तो हम इधर को जाएंगे। तो हमारा काम इधर है, उधर नहीं है। तो अब्बा जी आने नहीं देते थे, वो कह रहे थे मैं खुद जाऊंगा, क्यों माँ बाप का एक बेटा हूँ तो उनको भी ख्याल रहता है। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा कहा कि आज मैं जाऊँगा, क्यों मुझे इस साइड पर आने नहीं देते हैं, क्यों अक्सर कहीं भी जाना हो तो मुझे बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती है। तो आज भी मिली है, मगर यही कहा कि दोस्त को साथ ले जाना। तो आगे हम कैमरा कम यूज़ करेंगे, जो वो मामू हैं वो इस काम के ख़िलाफ़ हैं मेरे, तो इस वजह से मैं उनके होते हुए कैमरा यूज़ नहीं करूँगा, जब घर पहुँचेंगे फिर ही करेंगे, क्यों वो बहुत गुस्से होते हैं इस काम से। मैं तकरीबन 5 बजे आ चुका था, क्यों मुझे 1 घंटा लगा जाने में और लेके आने में। तो मैंने बताया था कि उनके सामने मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ। तो अभी आज हमारी वो ज़मीन को पानी भी लगना था, जिसमें परसों जो स्प्रे की थी, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ी है, घर भी नहीं गया हूँ, असर की नमाज़ पढ़ी है, घर नहीं गया, टोपी सर पे है वैसे ही, क्यों मैं ज़्यादा देर टोपी सर पे नहीं रखता हूँ, इसकी वजह से वो पसीना वगैरह आ जाता है और उससे बाल टूटते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ख्याल करता हूँ। तो आज तो पानी भी लगाना है और खाद गिरानी है जहर डाल के, और साथ एक बीज गिराना है थोड़ा सा। तो मैं इस फील्ड में अभी आया हूँ, क्यों पहले ये जो काम था ना ज़मीनों का, ये अब्बा जी करते थे, तो मुझे तो करने नहीं देते थे, तो अभी मैं ये सीख रहा हूँ, तो इसलिए चला जाता हूँ, करवाते हैं किसी से, या अब्बा जी खुद करते हैं, या किसी आदमी को पैसे दे के फिर करवा लेते हैं। क्यों मैं पिछले दिनों जब स्प्रे हुई थी उस वक्त भी पास खड़ा हूँ, कि मुझे ये चीज़ें जो जहर वगैरह है ये मुझे तंग करता है बाद में, इस वजह से मैं इसका ख्याल करता हूँ, क्यों जो कभी ऐसा काम किया नहीं है, जो करता रहे उसको आदत होती है। तो जो नए नए आए तो उसको ये थोड़ा सा शुरू शुरू में तंग करता है, जब ये इंसान आदि हो जाता है फिर ये तंग नहीं करती हैं, क्यों मुझे स्प्रे और ये जो खाद में जहर वगैरह डाल के डालते हैं ना,
वो मुझे थोड़ा सा तंग करता है, क्यों जैसे लड़ नहीं जाती है जहर, ऐसी हालत हो जाती है मेरी। क्यों उस दूसरी ज़मीन में करवाई थी उस वक्त भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो इस ज़मीन में पिछले दिनों करवाई है उस वक्त भी उसने तंग किया काफ़ी टाइम मुझे, तो इस वजह से मैं बस अभी जो छोटा मोटा काम है वो मैं कर लेता हूँ, तो दूसरा भी आदत डाल रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा आदत भी डल जाएगी, क्यों जब ये काम करना है तो फिर आदत भी डालनी पड़ेगी। बस अभी पहुँचते हैं, आप दोस्तों को वो भी दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। मैं इधर छाँव में बैठा हूँ अभी, पानी को लेट है, अभी 6 बजे हैं, तो मैंने पूछा है आगे ट्यूबवेल चल रहा है, लेकिन 6:30 का टाइम दिया उन्होंने, कह रहे 6:30 बजे पानी देंगे आपको, तो इसको पानी लगने में तो 10-15 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि छोटा सा टोटा है ना तो टाइम कम लगेगा, तो बस 6:30 तक हम इंतज़ार करते हैं, सिर्फ आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इतनी देर में हम 10-15 मिनट पहले ये काम कर लेंगे जो ये लगाने हैं टुक वगैरह। बस बस आप मिट्टी नहीं मेरे को संभाल ली जाती, ऐदा पानी की मिट्टी नहीं संभाल ली जाती मेरे को, क्या चंगी गल गया यही तो मैं कहना, मैं बंदा करे ना फिर बंदे पता होंगे कि किदा संभाल। ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਢੱਕਣ, ਲਾ ਦੇ ਢੱਕਣ।
जो उन्होंने टाइम दिया था 6:30 का, तो वो अभी टाइम और मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 15-20 मिनट और लगेंगे। उनका पानी लग रहा है कि उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो लगा के फिर हमारी तरफ पानी छोड़ेंगे। बैठा है? 15-20 मिनट होर मंगन दे, कहते 15-20 मिनट होर लगने। मैं क्या इतने तो सू मगर पी जानी ये सूरज का माशाल्लाह खूबसूरत मंजर, कितना खूबसूरत लग रहा है। गुरूब हो रहा है, अभी तो बादलों में ही हो रहा है, क्यों इस टाइम इधर बादल ही खड़े रहते हैं अक्सर। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। पानी अभी नहीं मिला है, मगरिब होने वाली है, तकरीबन 25 मिनट रह गए हैं, तो अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लगा के तो जाना है, तो मगरिब हमें इधर ही हो जाएगी जो सूरत हाल नज़र आ रही है। क्यों पानी लगाने के बाद हमने बीज भी गिराना है, तो फिर टाइम थोड़ा सा लगेगा। ये इधर से पानी खोला है हमने, ये इधर बन लगा हुआ था कि ये देखें। ये तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, ये देखें पानी माशाल्लाह हमारा जा रहा है। और साथ वाली ज़मीन में ट्रैक्टर सुहागा फिर रहा है साथ वाली ज़मीन में। आ भी कद्दू की वेल है ना, दवाने की होने तो है, मगर कि अजाने भी हो गई, नमाज भी हो चुकी होगी। बस ये अब फंसा हुआ है इधर काम, बस ये मुकम्मल करके घर जाएंगे, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये देखे इधर तक पानी पहुंचा है, ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, इधर से तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे, फिर उसके बाद बीज गिराना है, फिर वापस जाएंगे हम। ये देखें क्या नज़ारा हो रहा है इस टाइम। ये मेरा पहला दिन है जो इस टाइम मैं बाहर फिर रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में इस टाइम बाहर नहीं निकला हूँ, इस तरफ ना निकलने देते हैं। अभी भी मेरे साथ दोस्त हैं इसीलिए रुका हूँ, नहीं तो कब का घर बुला लेते। बस ये थोड़ा सा मुकम्मल हो चुका है, बस अब बीज गिराना है हमने, फिर चलेंगे वापस। और वीडियो को आज मैं इधर ही ख़त्म करके जाऊंगा, क्यों घर में मैंने बताया मामू हैं, वो कल को ही वापस जाएंगे, तो उनके सामने मैं ये काम नहीं करता हूं, क्यों वो गुस्से होते हैं, तो इधर से ही ख़त्म करेंगे फिर घर जाएंगे। तो जब तक है उस वक्त तक तो आप दोस्तों से बात करते हैं। काम हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो हम अभी घर को वापस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा वीडियो को इधर ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।